नमस्कार दोस्तों, एक बात याद रखना, बोला हुआ शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी भी वापस नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों 25 अक्टूबर दिन मंगलवार के बारे में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग है 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार। आज की तिथि है अमावस्या। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:27 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:42 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 8:45 से सुबह 11:27 तक रहेगा। अगर दोस्तों आपको कोई शुभ काम करना है इसी समय करिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:53 से शाम 4:17 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है लाल और मेहरून। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने और अपनी एक अलग पहचान बनाने का योग है। अच्छा अवसर मिलने का समय है और किसी कार्य की शुरुआत में आज अच्छी की जा सकती है। तानाशाह बनने और अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने से बचें। आपका जीवन केवल दिन काटने के लिए नहीं है परंतु कुछ महान कार्य करने के लिए भी है। दोस्तों व्यवहार संबंधी गतिविधियों में आपकी योजनाएं बन सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों किसी महत्वपूर्ण कार्य पे पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय ले लीजिए। घर में भी साथ सच्चा संबंधी किसी बदलाव परियोजना बन सकती है। कोई धार्मिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। परिस्थिति में बदलाव करने के लिए धीरे धीरे आपको प्रयत्न करना चाहिए। एकदम से दोस्तों आपको बड़ा लाभ प्राप्त करना अभी के समय में संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों संयम के साथ में किए गए प्रयत्नों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझने की आवश्यकता है। परिवार में से किसी व्यक्ति को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। काम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने की वजह से तनाव रह सकता है। पार्टनर को खुश करने की कोशिश आपकी जारी रहने वाली है। शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। और दोस्तों घर में प्यार और समझदारी देखने को मिल सकती है। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। व्यवहार से संबंधित लोगों को ईमानदारी के साथ में कार्य करने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के काम से छुटकारा मिल सकता है और दोस्तों काम से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा सकते हैं। जोखिम से कार्य टाल दीजिए। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। किसी सामान्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। धन लाभ के नए रास्ते नजर आने वाले हैं। छोटे मोटे प्रलोभन से खुद को दूर रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों किसी प्रॉपर्टी को लेकर घर में आपको गर्व महसूस होगा। काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई चीज़ें आपकी पूरी होने लगेंगी। आज स्वयं के लिए आपको कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। आपसे विश्वास के सहारे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आ सकती है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी शुभ है। आप भी इनकी इनकम अच्छी रहेगी। जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में आपको अनुचित कार्यों में ध्यान नहीं देना है। और दोस्तों आपको अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। परिवार का कोई सदस्य आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। उन्नति के नए मार्ग भी और विकल्पों की तलाश करना जरूरी है। प्रॉपर्टी डीलर के लिए समय अधिक फायदेमंद है। जरूरत से ज़्यादा खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। सावधानियों के बारे में बात करते हैं। अकारण कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं जिसका प्रभाव घर परिवार पर भी पड़ सकता है। कभी कभार सभी को खुश रखने के प्रयास में आप अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच में बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध विवाह में बदलने के योग बन रहे हैं। ग्रह की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में कल कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन दोस्तों आज ये समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी। आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में आप सक्षम हो सकते हैं। और दोस्तों हालांकि कल ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था, ये एक दूसरे के प्रति आपको अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है।
आज आप अपने साथी के साथ में घूमने जाना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और आप अकेले में कुछ रोमांटिक पल व्यतीत कर सकते हैं। आपको अपने शौक जैसे संगीत, नृत्य या फिर कला को नज़रअंदाज ना करें, पैसा कमाएं। पर इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि पैसा हमें ना कमाए। पैसा कमाए प्रेम फैलाने के लिए आज के दिन आपके लिए सबसे शुभ रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपके दरवाजे पर कई सारे बढ़िया मौके आपके लिए दस्तक दे रहे हैं। सरकारी सवारत व्यक्ति किसी गैर कानून में रुचि ना लें, कोई इंक्वायरी आदि भी हो सकती है। और इसके साथ ही इस समय अगर आपके करियर के लिए बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, व्यवसाय के नज़रिए से समय धनदायक रहने वाला है। अपने काम पर जो है आपको पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित रखना है। आपको महत्वपूर्ण अनुबंध इस समय प्राप्त होने वाले हैं। नज़दीकी मित्रों के सहयोग से आप जो है अपने अधिकतर काम को पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। पहले इनकम मिलने से युवा वर्ग का और अधिक आत्मविश्वास इस समय बढ़ने वाला है और अपने ध्यान को भी आप काम के प्रति केंद्रित इस समय कर पाएंगे। इसके साथ अगर आपके व्यवसाय और आपके करियर के लिए जो समय होगा, दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्यवसाय में इस समय मुनाफादायक स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए दोस्तों इधर उधर की बातों में ना उलझकर आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों सहयोगी और कर्मचारियों के साथ में बेहतरीन समय साबित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति को इस समय अचानक कोई शुभ समाचार मिलने की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको बता दें आपकी लव लाइफ के लिए अगर बात करें तो दोस्तों इस समय व्यक्तिगत समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम बनाने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध मर्यादित रखना आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। लव लाइफ के लिए बता दें, आपके प्रेम जीवन के लिए समय बता दें तो आपको पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहने वाला है, परंतु व्यवस्था की वजह से आप अपने परिवार को अधिक समय इस समय नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद संबंधित खरीद प्रयुक्त करने की प्लानिंग है तो आपको पेपर वगैरह अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, परंतु ये भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं उसी से आज मनमुटाव होने की आशंका बन रही है। व्यस्ततम दिनचर्या रहने वाली है और दोस्तों उच्च अधिकारियों तथा राजनीति के लोगों से तालमेल बिठाकर आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहने वाले हैं। कोई व्यावसायिक लेन देन लोन लेना पड़ सकता है और दोस्तों ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आकर आप अपने कार्यों पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। संकट मोचन आपके सभी कष्ट तकलीफें दूर करेंगे।